नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हम कुरमान अली साहब के साथ साप्ताहिक शो में हैं, जो उन्हीं का शो है हिस्ट्री, भारत की राजनीतिक इतिहास के ऊपर एक विहंगम और सत्य खोजपूर्ण दृष्टि। कुरमान साहब, हम पिछली बार ये बात कर रहे थे कि जो मैं जानना चाह रहा था, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया है, कुछ सोचा होगा कि आखिर गांधी जी के मन में ऐसी क्या चीज थी जो उन्होंने सारे नेताओं के ऊपर नेहरू जी को अपना ज्यादा समझ लिया और बल्कि उन्हें हर जगह मदद की। नेहरू उनके विचारों से बहुत सारी जगहों पे सहमत भी नहीं थे, उनकी खुद भी होती थी, लेकिन जब गांधी जी ने एक बार उनसे कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये विचार मैं हरिजन में छाप देता हूँ, तो देखें जो कांग्रेस जन कहेंगे उसको फिर उसके ऊपर तय करेंगे, तो उसपे नेहरू जी ने अपने को विड्रॉ कर लिया। ऐसी कई घटनाएं हुई नेहरू जी और गांधी जी के जीवन में, जब गांधी जी ने बजाय नेहरू को समझाने के यही कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये विचार, ये तुम्हारी ये पत्र मैं हरिजन में छाप देता हूँ, इसके बावजूद वो जानते थे कि नेहरू जी 100% उनकी बातों को सिर्फ सहमत नहीं है, उनके ग्राम स्वराज के विचारों से, आजादी के बाद के हिंदुस्तान के की परिकल्पना को लेकर के, आधारों को लेकर के, इसके बावजूद गांधी जी ने क्यों जवाहरलाल जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना ज्यादा अपना पुश किया और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और इसके बाद वो 15 अगस्त के आजादी के उत्सव में भी नहीं आए दिल्ली और वो नोआखाली चले गए। कुरमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भारती जी। हमेशा आपके साथ बात करना इतिहास की उन घटनाओं के बारे में जिनको लेकर के काफ़ी मिथक हैं या सही जानकारी नहीं है या अपूर्ण जानकारी है। और ये जो विषय आज आपने रखा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते, तो इस पर मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक भूमिका के तौर पर ये बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की महात्मा गांधी से मुलाकात, पहली मुलाकात 1916 में होती है, यानी गांधी जी के एक साल बाद ही दक्षिण अफ्रीका से वापस आने, और उससे कुछ ही समय पहले जवाहरलाल जी अपनी वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आते हैं। और उस वक्त उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और गांधी जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। गांधी जी से वो उम्र में थोड़े से बड़े भी थे, लेकिन बावजूद इसके गांधी जी के साथ उनका जो तारतम्य बना वो बहुत ही अद्भुत था। उसमें मतभेद होने के बावजूद आपसी रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं आई। और कहा यह जाता है, इसकी वैसे भी कहीं पुष्टि नहीं हुई, कि गांधी जी जब मिले मोतीलाल जी से जवाहरलाल जी की मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा कि अपने इस बेटे को मुझे दे दीजिए। और तभी से वो एक रिश्ता बना जिससे कह सकते हैं कि ये जो आपका सवाल था कि अपना वारिस क्यों चुना, भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनाया या कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार क्यों बनाया, ये वो सवाल हैं जिन पर हमें विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैं बताता चलूं कि इस बारे में सोशलिस्ट नेता मधुलिमय ने एक बहुत ही अद्भुत किताब 4 वॉल्यूम में लिखी है, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू अ हिस्टोरिकल पार्टनरशिप, और वो 1916 से 1948 तक का पीरियड कवर करती है। और उसके इतने आयाम हैं उसमें, उस किताब को अगर आप पढ़ें तो लगता है कि ये कैसे हो गया कि महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू के इतने मतभेद होने के बावजूद, तीव्र मतभेद होने के बावजूद, दोनों के बीच में एक रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए आदर, वो हमेशा बना रहता है चाहे जितनी तल्खी हो। यहाँ एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 1934 में जब कांग्रेस के अंदर समाजवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और जो कि नेहरू जी के कहने पर बनाई, उसको लेकर के गांधी जी के बहुत रिजर्वेशंस थे। और नेहरू और गांधी जी के बीच जो पत्राचार हुआ वो इतना तल्ख भी हो गया कि 1934 में गांधी जी ने फैसला किया कि अब मैं कांग्रेस पार्टी का 54वीं का सदस्य नहीं बनूंगा, प्राथमिक सदस्य, और वो फिर नहीं बने 1934 के बाद। लेकिन बावजूद इसके फिर वही बात आती है कि
वो ऐसा रिश्ता कि उसमें कहीं कोई कड़वाहट आपको देखने को नहीं मिलती। अब जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं या कांग्रेस पार्टी का इतिहास या गांधी नेहरू की का पत्राचार पढ़ा है जो कि अवेलेबल है कलेक्टेड वर्क्स और महात्मा गांधी वेबसाइट पर 1916 से 1948 का, उसमें ये लगता है कि अगर आप देखें कि गांधी जी की विचारधारा और उनकी मंशा उस लिहाज से सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, ये कांग्रेस के मतलब जो फर्स्ट रैंक लीडरशिप थी और जो कि सब नेहरू से उम्र में बड़े थे, वो गांधी के ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद, और दूसरा ये कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को शुरू से ही समाजवादी, सोशलिस्ट, वामपंथी एक तरह से घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था 1929 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के अपने भाषण में ही, जो रावी के तट पर उन्होंने भाषण दिया था और जिसमें देश की आज़ादी की बात भी कह दी गई थी, जबकि गांधी जी उस वक्त तक तैयार नहीं थे। और 26 जनवरी 1930 से लगातार जो हमारा रिपब्लिक डे है आज भी मनाया जाता है, वो उसी तारीख की वजह से मनाया जाता है जिसको नेहरू जी ने कह दिया था कि ये तारीख हमारे देश के आज़ाद होने की तारीख होगी। दूसरी चीज़ कि 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका उत्तराधिकारी चुना जाना था, और जाहिर है कि उस वक्त में नेहरू जी की उम्र भी कम थी, उनका एक्सपीरियंस भी कम था, लेकिन पता नहीं गांधी जी ने उनके अंदर क्या चमक देखी कि उन्होंने उसी समय जवाहरलाल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, यानी आज़ादी तक और आज़ादी के बाद भी अगर आप देखें, तो पहली घटना मिलेगी कि जहां सीधे बाप से बेटे को अध्यक्ष बनाया गया हो। उस वक्त तक ये इस तरह की कांग्रेस पार्टी नहीं थी जो आज है या जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय थी, कि पहले वो 1980 में जब अध्यक्ष बन गई तो जीवन पर्यंत अध्यक्ष, फिर राजीव गांधी जब बन गए तो जीवन पर्यंत अध्यक्ष, और जब सोनिया गांधी बन गई तो जीवन पर्यंत अध्यक्ष। लेकिन गांधी जी ने, मुझे ये लगता है जो हमें ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं, कि नेहरू जी की जो दृष्टि थी, जो चीज़ों का नज़रिया था देखने का, और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1927 में जवाहरलाल जी पूर्वी यूरोपीय देशों के एक दौरे पर गए अपने पिताजी के साथ, ब्रसल्स में उन्होंने एक बड़े सम्मेलन को अटेंड किया, उसके बाद वो सोवियत रूस गए, आज वो करके उन्होंने जो वहाँ की सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको पूरी तरीके से आत्मसात किया, एडॉप्ट किया, और जब 1931 की कराची कांग्रेस होती है तो उसमें उन्होंने वो उन सारी चीज़ों को, जिसको के रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है और जो आज हमारे भारतीय संविधान की बैकबोन है, कराची कांग्रेस का रेजोल्यूशन, जिसमें पहली बार समाजवाद शब्द इस्तेमाल किया गया, पहली बार बुनियादी अधिकार नागरिकों के क्या होंगे ये तय किया गया, उनको देश से मतलब गुलामी से निजात बनने के मिलने के बाद आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी किस तरह से मिलेगी, इसकी भी रूपरेखा उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो जैसा मैंने अभी कहा कि गांधी जी के जो बहुत क्लोज एलाइज थे और जो आंख मूंद करके उन पर यकीन करते थे और कभी उनके बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं हुए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत और मौलाना आज़ाद, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर राइट विंग कहा जाता था, दक्षिणपंथी कहे जाते थे, गांधी जी ने जब भी फैसला लेने का वक्त आया तो इन लोगों को मतलब एक तरह से पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था, और कई जगह इसके सबूत मिलते हैं उनको, कि नेहरू की जो दृष्टि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो इतनी ब्राइटनेस, वैसे जैसे कोई अपने औलाद के लिए
कोई करता है या अपनी फसल को देख करके खुश होता है जब वो फसल लहलाती है, ऐसा मालिक ऐसा किसान वो गांधी जी उसमें देखते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मास अपील थी नेहरू जी की, वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में नहीं बन पाई। ऐसा नहीं था कि वो बड़े लोग नहीं थे, उनका त्याग कम था, वो जेल गए थे, सत्याग्रह किए थे, बहुत यातनाएं भी सही थीं, लेकिन आप देखिए कि 1916 से लेकर के और 1948 तक कांग्रेस पार्टी के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उनमें किसी में भी वो बात नहीं बन पाई जो नेहरू जी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए बने। अब सुभाष चंद्र बोस भी दो बार अध्यक्ष हुए कांग्रेस पार्टी के, गांधी जी के ना चाहते हुए अध्यक्ष हुए, उनकी भी बड़ी मास अपील थी, उनका भी खास करके युवाओं में बड़ा आकर्षण था और लोग उन्हें अल्टरनेटिव हैं और इंग्रेज से आजादी भी दिला सकते हैं, और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी जड़ें जिस तरह से मजबूत की, जमाई, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांधी जी के मर्जी के खिलाफ जाकर के कोई आदमी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उनका ये अपना रोल था। उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद अगर आप ले लीजिए, वो भी बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने। उनका भी गांधी जी के साथ बड़ा करीबी रिश्ता था, वल्लभ भाई तो थे ही, गोविंद वल्लभ पंत और उनके समकालीन जितने भी नेता हैं, उनमें किसी में वो बात नहीं बन पाई। और इसकी वजह ये थी कि शायद जब नेहरू जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कुल मिलाकर के वो करीब 10 वर्ष उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंग्रेज की जेल में गुजारे, और इसमें ढाई ढाई साल, तीन तीन साल लंबा प्रवास उनका जेल में रहा है। लेकिन उसके पहले उन्होंने इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और वहाँ काम किया, और उस वक्त उनके पिताजी तो अखिल भारतीय स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो वहाँ से सीधी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से ट्रेंड किया, तैयार किया, और 1920-21 में जो अवध में किसानों का पहला आंदोलन हुआ, जिसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और मुंशीगंज में गोली चली थी, कई लोग मारे गए, तो नेहरू जी ने उस वक्त उस आंदोलन में बड़ा काम किया सुल्तानपुर और फैजाबाद के ज़िलों में, और इलाहाबाद से फैजाबाद किसान आंदोलन, फिर वो सोशलिस्ट मूवमेंट जो देश में बना उसके जनक बनते हैं, और उसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियंस बनती हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, उसका गठन होता है, उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और संतोष जी आपको याद होगा पिछले अंक में हमने जिक्र किया था कि 1929 के बाद 1936 में जब वो दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकने का काम करते हैं, और वो आप देखें तो नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का प्राइम टाइम है 1936 से लेकर के 1940 तक का जो अरसा है। इसी बीच में नेहरू जी के ईमा पर, उनके कहने पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन होता, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता, प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट की बुनियाद पड़ती है, और इन तीन संगठनों के अलावा वो काफ़ी ऐसे लोगों को जो ब्रिटेन में पढ़ कर के आए थे या दूसरे देशों में पढ़ कर के आए थे, उनको अपने सेक्रेटेरिएट में वो जगह देते हैं, वो नेहरू जी के नवरत्न कहलाते थे, जिनमें राम मनोहर लोहिया को विदेश विभाग, सज्जाद जहीर को ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का काम, और लेखकों के ज़रिए से कैसे आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा जाए इसका काम, के एम अशरफ को मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम दिया गया, और डॉक्टर एज़ैड अहमद को इकोनॉमिक प्रोग्राम, और इसके अलावा कई और लोग थे जो जिन्हें ओहदा तो नहीं था, ये सारे लोग तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे, लेकिन मुल्क राज आनंद या और दूसरे राइटर जो उस समय के थे, वो इलाहाबाद में एक बुक क्लब बना करके उनको जोड़ा गया, क्योंकि उस वक्त AICC का हेडक्वार्टर
वही होता था। और उसी समय में आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया के साथ नेहरू जी का एक संबंध होता है, बनता है कि जो पूरा दुनिया जो साम्राज्यवाद से पीड़ित थी, कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रितानी कॉलोनीज हों, फ्रेंच कॉलोनीज हों, चाहे वो पुर्तगाल की कॉलोनी हो या कोई और दूसरे देश, यानी गोरों का कालों पर राज, और उसमें अफ्रीकी देश और एशियाई देश, तो ये एफ्रो एशियाई देशों के साथ आज़ादी की मशाल को जोड़ने का काम नेहरू जी ने किया। ये भी शायद एक कारण था गांधी जी के प्रभावित होने का। और ऐसा लगता था कि हालांकि गांधी जी की इस बारे में बहुत आलोचना हुई कि क्यों उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के मुकाबले में नेहरू को चुना, तो उसमें यही सारे कारण नज़र आते हैं कि इस देश को एक रखने की जो शर्तें हो सकती हैं और जो सोच हो सकती है वो पूरी टोटलिटी के साथ अगर किसी एक शख्स में थी तो वो जवाहरलाल नेहरू में थी। और जवाहरलाल नेहरू ने अब गांधी जी की इस बात को, इस सोच को सच साबित किया कि आज़ादी के बाद 17 साल तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का तो गठन हुआ ही, पहला आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री 350 के करीब सीटें, दूसरा चुनाव हुआ 57 में, उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री, तीसरा चुनाव हुआ 1962 में, उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री, और न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी, एक दो चार राज्य ऐसे होते थे कि जहां कांग्रेस विरोधी दल सत्ता में आने में कामयाब हो गए, उनमें केरल एक उदाहरण है जहां दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनी, एमएस नमूदी पाता, कुछ और जगहों पर भी छोटी मोटी सरकारें बन गई कुछ समय के लिए, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू का ही करिश्माई व्यक्तित्व था कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद, सांप्रदायिकता का दावानल झेलने के बावजूद, इतने बड़े पैमाने पर रिफ्यूजीज का पाकिस्तान और बांग्लादेश उस हिस्से से भारत में आने के बाद, उन्होंने न तो अपने सेक्युलरिज्म पर किसी तरह की आँच आने दी, न अपने सोशलिज्म पर किसी तरह की आँच आने दी, और न ही जो भारतीय लोकतंत्र का जो पौधा लगाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, वो जब बड़ा हो रहा था तो उसमें मट्ठा डालने के बजाय जो आजकल काम किया जा रहा है, उन्होंने वो पानी या वो अमृत डालने की कोशिश की कि आज हम अपने आप को 70 वर्ष बाद आज़ादी के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने का गर्व हासिल कर सकते हैं। और संतोष जी, ये कोई मामूली घटना नहीं, अगर आप देखें तो तीसरी दुनिया के देशों में भारत अकेला ऐसा देश है कि जिसने लोकतंत्र को न सिर्फ अपनाया बल्कि और आत्मसात किया, बल्कि उसको व्यवहारिक ढंग से करके भी दिखाया। इमरजेंसी के 19 महीने अगर आप छोड़ दीजिए तो इन 70 सालों में आपको भारतीय लोकतंत्र पर कोई भी ऐसा बदनुमा दाग नहीं मिलेगा जहां ये कहा जा सके कि यहां चुनाव जो है वो उनकी रिगिंग हुई। जबकि हमने देखा है कि हमारे आसपास के जितने देश हैं, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इन सब जगह या तो कई बार हमने देखा इनमें से कई देशों में सैनिक सरकारें रहीं, तख्ता पलट हो गया, या तानाशाहियाँ रहीं और डेमोक्रेसी कभी मैच्योर नहीं हो पाई। नेपाल तो अभी कुछ साल पहले ही राजशाही से मुक्त हुआ है और वहाँ राजशाही थी। तो भारत इतना विशाल देश जहाँ के 565 प्रिंसेसली स्टेट्स थी, उनको मिला करके इंडियन यूनियन का गठन किया गया, और जो बदहाली थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, जिस हालत में भारत की हालत थी जो जवाहरलाल जी को मिला था, जबकि कहा जाता था कि हम सुई बनाने की भी हैसियत में नहीं थे, उन्होंने भारत को उस रास्ते पे कि ना तो पूरी तरह से सोशलिस्ट किया, ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट किया, लेकिन एक प्लानिंग की योजना जो 1927 में ब्रसल्स और सोवियत रूस से वो अपने दिमाग में बैठा करके लेके आए थे और जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी का हिस्सा बने, उसी के तहत योजना आयोग का गठन किया, पंचवर्षीय योजना बनाई। और आप जानते हैं, हम लोगों के एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट थे केवल वर्मा साहब, वो जब भी मुझे मिलते थे खास करके 80 के दशक में, तो पूछते थे जब मैं उत्तर प्रदेश से आता था कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं बहुत ही हारते हुए कहता था कि साहब हमारी, हम तो
वही मंदिर मस्जिद रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या का विवाद उस वक्त बहुत, तुम बड़े बदबخت हो, तो थोड़ा बुरा भी लगता था कि क्यों कह रहे हैं ये ऐसा। बोले हम जब पत्रकारिता में आए थे यानी 50 के दशक में, तो भारत के नवनिर्माण मंदिर बन रहे थे, भोकारो स्टील, राउरकेला सिटी, और उसके जरिए से विकास की योजनाएं तैयार की जा रही थी, जिनकी या तो आधारशिला रखने का काम जवाहरलाल जी करते थे या उनके उद्घाटन वो करते थे। तो गांधी जी का ये फैसला था वैसे भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद में से कोई प्रधानमंत्री होता तो भारत की स्थिति क्या होती। लेकिन जो एक चीज पर हम सबसे ज्यादा फख्र कर सकते हैं वो ये कि जवाहरलाल जी ने भारत इंटरनेट की कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है हो रही है। और अब इंटरनेट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता यद्यपि इंटरनेट है, हम डिजिटल इंडिया हैं, लेकिन हमें कहीं वो दिखता नहीं। प्रधान साहब की जो बातचीत है वो देखिए, जब भी वो जुड़ते हैं तो हम बातचीत करेंगे। पर ये बड़ी कमाल की चीज है कि जिस सवाल को मैं कुर्बान साहब से पूछूंगा, उनके पास अभी आवाज नहीं जा रही है। सरदार पटेल गुजरात के थे, गांधी जी भी गुजरात के थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, तो उन्होंने सारे देश में जितनी गुजराती कंपनियां हैं उनको, उन्होंने जितने बड़े बड़े ठेके हैं या विकास के काम हैं गुजरात की ही कंपनियों को उन्होंने दिया है, और पीएमओ में जितने भी महत्वपूर्ण अफसर हैं वो सब गुजरात कैडर के हैं। वो भले ही रहने वाले किसी और प्रदेश के हों, लेकिन वो पिछले 12, 15, 20 साल से गुजरात में काम कर रहे हैं। उन्हें ही भारत को बनाने के काम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया है। गांधी जी ने क्यों सरदार पटेल को इस काम में, या तो आ अपने गया गुजराती प्रदेश संतोष जी का का, नहीं वो, दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है? मैं आप देख पा रही हैं मुझे देख पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात जी? अभी बीच में कह रहा था, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मेरी बात सुन पा रहे अभी हैं आप? कुछ व्यवधान आ रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस लग रहे हैं जी। आवाज तो आपकी आ रही है जी। मैं भी लोगों से ये कह रहा था बीच में कि एक बड़ा अंतर्विरोध दिखाई देता है कि गांधी जी गुजरात के, सरदार पटेल गुजरात के, और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय सारे देश में जो भी विकास का काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें उन्होंने सारी गुजराती कंपनियों को लगा दिया है, बाकी स्थानीय कंपनियों को किनारे फेंक दिया है। और दूसरी तरफ उन्होंने पीएमओ में जितना भी महत्वपूर्ण काम है वो गुजरात के अब कैडर के लोगों को सौंपा है। रहने वाले वो कहीं के हों, लेकिन अगर वो 10, 12 साल गुजरात में रहे हैं और वो गुजरात नरेंद्र मोदी के परिचित हैं, तो उन्होंने सारा काम गुजरात कैडर के लोगों को सौंप दिया है। मैं कह रहा था कि इस अंतर विरोध को भी समझने की जरूरत है। कुर्बान साहब जब अभी जुड़ेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि गुजरात से ही गांधी जी आए, गुजरात से ही सरदार पटेल आए, लेकिन गांधी जी जी ने गुजराती, गुजरात के प्रति अपना वो मोह नहीं दर्शाया, या गुजरात की लॉबी ऐसी नहीं बनाई जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी चीजें अंडरलाइन करके कही कि मैं तो व्यापारी हूँ और व्यापारी की दृष्टि से देखता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा। जी वो सारी गुजरात की भाषा और गुजरात में जिस तरह का उन्होंने विकास किया, वो आज गुजरात में पता चलता है कि लोगों के पास नहीं है, लोगों के बीच में जो अमीर है उनके पास सब कुछ है। तो मैं बीच में ये बात कह रहा था कि हमारे राजनीतिक इतिहास के ये भी कुछ अजीब से अंतर्द्वंद हैं कि एक तरफ मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम बापू कहते हैं, हमारे सामने उदाहरण है, सारा देश उनके आगे नतमस्तक होता है, सरदार पटेल के आगे नतमस्तक होता है, लेकिन
गांधी जी ने गुजराती होने का कोई भी अपना जी जिसको कहते हैं पुरुषता या जाति या धर्म का फर्ज नहीं निभाया सरदार पटेल को आगे ला करके। पर अभी ये आगे का विषय है, शायद अगले हफ्ते हम लोग लें सरदार पटेल के बारे में, लेकिन आपसे भी अभी मैं बात करूंगा, पर आप अभी नेहरू जी वाली बात को पूरा करें। आज लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कुरबान साहब के और हमारे बीच में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज हम बात नहीं कर पाएंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट हमारा साथ नहीं दे रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं आ रही है। पर कुरबान साहब आवाज आई? जी, नहीं आ मैं पा अब सुन रही। पा रहा हूँ। जी तो आप पहले नेहरू जी का पूरा करें, फिर हम आगे के विषय के बारे में बात करेंगे। ठीक, नमस्कार। अरे तो आपने तो नमस्कार कर लिया। मैं कह रहा हूं नेहरू जी वाला विषय अपना आज पूरा कीजिए। नहीं बात हो पा रही है, तो ठीक है हम कुर्बान साहब से फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, मुझे क्योंकि नहीं वो पता कि जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है सर, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी मिल रही है। आप करें पूरी करें बात को। जी, तो जी, वो जो आपने बात कही गुजरात की, उसमें जी इंटरेस्टिंग पहलू ये तो है ही कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाद में के लोग, लेकिन जो दो प्रमुख नेता हैं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी गुजरात से आते हैं, और दोनों के गांव की बीच की दूरी सिर्फ 30 मील की है। दोनों ही वहाँ राजकोट पोरबंदर के नजदीक के रहने वाले थे, और एक को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया और दूसरे को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया। तो गुजरात का एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी है। लेकिन जवाहरलाल जी पर अपनी बात को खत्म करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जवाहरलाल जी ने कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में रहते हुए एक दिशा दी, वो शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो ऐसा ना कर पाता। और वो उसके पीछे फिर वही कि उनका जो मॉडर्न आउटलुक, उनकी जो सोच, और उसमें एक तारतम्य के, और एक ऐसी इकोनॉमी को जन्म देना कि जो ना पूरी तरह से सोशलिस्टिक हो, ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो, और उसी की बदौलत हम लोग चल पाए हैं 2000 इतना महत्वपूर्ण विषय और डिजिटल इंडिया में हम बात नहीं कर पा रहे हैं देश के लोगों से, ये भी बहुत कमाल की चीज है। लेकिन हम इसी चीज को, हिस्से को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि कई सारे सवाल हैं इसमें जिसमें हम कुर्बान साहब से बात करेंगे। एक तो ये कि दो भाई हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और और विट्ठल भाई पटेल, ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों का जितना योगदान हुआ उसमें वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हम सब जानते हैं, विट्ठल भाई पटेल के बारे में नहीं जानते हैं। एक ये कुर्बान साहब से बात करनी है, और दूसरी बात ये करनी है कि इतिहास के छात्र और छात्राओं के बहुत सारे सवाल हैं, तो संभव अगर हो तो इतिहास के छात्र और छात्राओं से हम उनके सवाल लेकर के वो भी कुर्बान साहब के पास हम आएंगे। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है, हम लोग को जरूर। तो कुरबान साहब हम लोग आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, क्योंकि बात पूरी तरह लोगों के सामने जा नहीं पा रही है। और अगले हफ्ते हम इसको जी कंक्लूड हाँ, करेंगे, और जैसा जैसा मैंने कहा कि कई सारे सवाल और हैं जो आपने अगर सुने हो, नहीं तो मैं दोहरा दूं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दो भाई थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जी बहुत प्ले किया। तो वल्लभ भाई अहम पटेल रोल के अदा। बारे में तो पटेल के बारे में जानते हैं, विट्ठल भाई पटेल के बारे में नहीं जानते। दूसरा ये कि इतिहास के जो छात्र और छात्रा हैं वो आपके शो को बहुत शेयर करते हैं,
उनके भी कुछ सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले किसी हफ्ते उन कोई छात्र या छात्रा उनका उनकी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपसे बातचीत करें, ये भी हम कोशिश करेंगे। पर ये जरूर देखिए आप, आज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हम लोगों को, ये पता नहीं घंटी कब बज रही है, हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि ये नेहरू जी वाला मसला हमको अगले हफ्ते पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू जी के बारे में जितनी बातें आपने की आधी तो इस इंटरनेट की वजह से रह गई। तो कुर्बान साहब, आज इस चीज को समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं वही 2 बजे, और लोगों से कोशिश करेंगे कि कैसे इंटरनेट, हमारी कोशिश से कुछ होगा नहीं क्योंकि सरकारी मसला है, देखते हैं क्या होता है। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, अधूरा इसलिए अधूरा प्रोग्राम समाप्त करते हैं क्योंकि बात पूरी हो नहीं पा रही और आपकी जो बात आ रही है बहुत टूट टूट के आ रही है, बीच में रुक करके आ रही है इंटरनेट की वजह से, मेरी भी कितनी आवाज जा रही है मुझे नहीं पता। तो इसलिए आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम के यज्ञ में स्वाहा, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।